Hey beautiful people, this is Rashmi and welcome to the another makeup tutorial video. I hope you all are doing good. So in this particular video मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक जो मैंने स्पेशली क्रिएट किया है फॉर मेहंदी सेरेमनी. यू कैन ट्राई दिस लुक ऑन योर हल्दी फंक्शन एज वेल बिकॉज कोई भी वेडिंग डे हो यू जस्ट हैव टू लुक ब्यूटिफुल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द ट्यूटोरियल. फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर एंड उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे. एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस प्राइमर एंड दिस इज NYBA प्राइमर. और अभी जो आपको मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं उसे हाइड करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ एंड दिस इज़ NYBA कंसीलर. और विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी डार्क स्पॉट्स है वो हाइड हो जाए. एंड आफ्टर दिस आई सेट दिस विद माय कॉम्पैक्ट पाउडर. नाउ यू कैन सी मेरे सारे डार्क स्पॉट्स हाइड हो गए हैं. और अभी मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन एंड दिस इज़ अ वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन एंड विद द हेल्प ऑफ वेट ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ डार्क कंसीलर फॉर कॉन्टोरिंग पर्पज एंड अगेन ये एक NYBA का कंसीलर है. इस तरीके से कॉन्टोरिंग करने की वजह से आपके फेस को थोड़े से शार्प फीचर्स मिल जाते हैं. एंड इसके बाद अगेन मैं कंसीलर यूज करने वाली हूँ जो बहुत ही लाइट शेड में है टू हाईलाइट माई फेस. एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर अगेन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. एंड नाउ आई विल सेट ऑल द कंसीलर्स एंड फाउंडेशन विथ माई पाउडर. और जो आई शेडो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे. सो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रॉन्ज़र. ऐसा जो मेरे पास सेपरेट ब्रॉन्ज़र नहीं है, मैं जो मेरे पास ब्लश पैलेट है उसी में से जो डार्क ब्राउन शेड है मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ एज अ ब्रॉन्ज़र. एंड मैं इसे विद द हेल्प ऑफ ब्रश हल्के से अपनी चिक्स को ब्रॉन्ज कर लूँगी. एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश एंड बस थोड़ा सा हल्का ब्लश मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ. दैट्स इट. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ हॉट रेड लिपस्टिक बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ वेडिंग फंक्शन. तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ. एंड नाउ वी विल सी द आई शेडो. बट आई शेडो स्टार्ट करने से पहले हमें आईब्रो को सेट कर लेना है. बट आई शेडो स्टार्ट करने से पहले मैं आईब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस फीस ब्यूटी डार्क ब्राउन शेड आई शेडो पेंसिल. तो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे दो शेड्स इस्तेमाल करने वाली हूँ. एक है ब्राउन कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स एंड एक येलो शेड. तो सबसे पहले मैं ये लाइट ब्राउन कलर को पिक करूँगी एंड जो क्रीज के ऊपर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विथ अ ब्लेंडिंग ब्रश. इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे थोड़ा सा डार्क शेड में पिक करूंगी एंड इसे
आईज के आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे येलो कलर अप्लाई करने से पहले मैं कंसीलर यूज करूंगी। ये सेम कंसीलर है जो हमने पहले भी आईलिड पे यूज किया हुआ है। एंड इस तरीके से कंसीलर को मैं अप्लाई कर लूंगी। एंड इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर मैं येलो कलर पिक करके जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है वहाँ पे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पिक अ डार्क ब्राउन कलर, इट्स लाइक अ कॉफी कलर। एंड इस कलर को मैं एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे आउटर वी पे इस कलर को अप्लाई करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ जो हमने क्रीज पे ब्राउन कलर अप्लाई किया था उसके साथ मैं इस डार्क कॉफ़ी कलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। सारे कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। और इसी के साथ साथ जो मीडियम ब्राउन टोन है उसी कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। And our eyeshadow is ready. And इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ अलाइनर, काजल एंड मस्कारा। एंड इस तरीके से आर मेकअप इज रेडी। बस लास्ट चीज़ बची है वो है हाइलाइटर, तो मैं यहाँ पे मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ गोल्ड शेड में। एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी। एंड इट्स अ मेहंदी फंक्शन, सो आई विल बी बैक विथ माई फ्लावर ज्वेलरी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा और आप इस लुक को और भी कई सारे फंक्शंस में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे बीच की बॉन्डिंग, प्यार और भी ज़्यादा बढ़े, तो आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।